अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्कूलिंग स्ट्रीट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे फ़ोटोशॉप में जो हमारी बैकग्राउंड लेयर होती है या फिर कोई भी लेयर उसको हम कैसे सॉलिड कलर पैटर्न या फिर ग्रेडियन कलर में अप्लाई कर सकते हैं या ग्रेडियंट कलर उसको दे सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स आती रहें लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फोटोशॉप ओपन करना है ही आपके पास फोटोशॉप ओपन हो जाए तो आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है या फिर अपना कोई भी रिसेंट प्रोजेक्ट ओपन करना है मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ या फिर क्रिएट न्यू करता हूँ यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसके मुताबिक अपनी सेटिंग्स चूज करना होती है अभी मैं फोटो भी आता हूँ और डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज भी जाता हूँ क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से तो ऐसे आपके पास फ़ोटोशॉप की स्क्रीन ओपन हो जाएगी अब हमने करना क्या है ये हमारी लेयर है बैकग्राउंड लेयर इस पर हमने कलर करके देखने हैं सॉलिड कलर ग्रेडियंट कलर और पैटर्न सबसे पहले आपने वो लेयर सेलेक्ट करनी है जिस लेयर पे आप कलर अप्लाई करना चाहते हो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये बैकग्राउंड लेयर सेलेक्टेड है तो यहाँ से मैं इसको डिसेबल भी करके देख सकता हूँ तो इस पर मैंने कलर अप्लाई करना है सॉलिड कलर ग्रेडियंट कलर और पैटर्न चले वन नंबर वन सभी को देखते हैं सबसे पहले आपने लेयर को सिलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करना है इस आइकॉन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास टॉप पे सॉल्ट कलर ग्रेडियंट और पैटर्न का ऑप्शन आएगा हम तीनों को वन नंबर वन देख लेते हैं सबसे पहले हम क्लिक करते हैं सॉल्ट कलर यूँ ही हम सॉल्ट कलर पर क्लिक करेंगे तुम्हारे तो पास कलर ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ से आप कोई भी कलर पिक करके उसको यूज़ कर सकते हो सपोज़ हम ग्रीन करते हैं या फिर डार्क ग्रीन आप कर लें चलिए हम ये कलर पिक करके इसको ओके कर देते हैं तो ये देखें इस लेयर पे ये कलर अप्लाई हो चुका है अगर हम इसको डिसेबल करते हैं तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो या फिर जो लेयर है वो वाइट थी और इस पर हमने ये कल सॉल्ड कलर कर दिया अब ये हमने सॉल्ड कलर अप्लाई किया ऐसे ही आप सिंपली डबल क्लिक करके कलर को चेंज कर सकते हो सिंपली आपने ओके okay करना है और वो कलर अप्लाई हो जाएगा अब हम इसी लेयर पे ग्रेडियंट कलर अप्लाई करके देखते हैं सिंपली आपने सेम वही प्रोसेस करना है यहाँ से हम ग्रेडियंट कलर पिक करेंगे अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ से आप कोई भी कलर जो प्री बिल्ड हैं अवेलेबल हैं वहाँ से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो या फिर अपना भी कोई क्रिएट कर सकते हो क्रेडियंट आप इनमें से कोई भी पिक करके उसको यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल दिस वन अब देखें इसके बाद है स्टाइल स्टाइल लीनियर एंगल रिफ्लेक्टेड और डायमंड आप इनमें से कोई भी पिक करके उसको यूज़ कर सकते हो फॉर एक्ज़ाम्पल हम लीनियर ही रहने देते हैं और एंगल को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अब देखें अगर आप यहाँ पे एंगल सेलेक्ट करें तो ये देखें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टाइल बन जाता है यहाँ पे हम करते हैं टर्टी फाइव पॉइंट थ्री तो ये देखें ये बिल्कुल कॉर्नर से आ रहा है तो ऐसे आप ग्रेडेंट कलर भी कोई भी अप्लाई कर सकते हो अगर हम इसको डिसब्ल कर दें तो ये देखें इनेबल करते हैं आप सिंपली उसी अकाउंट डबल क्लिक करके यहाँ से चेंज भी कर सकते हो एक तो ये ऑप्शन आप यहाँ से जो ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ से आप कोई भी ग्रेडियंट पिक कर सकते हो अगर आप अपना कोई कलर देना चाहते हो ग्रेडियंट कलर तो सिंपली आप ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे और ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी अब ये आपके पास स्लाइड है तो यहाँ पे एक ये कलर है और एक ये कलर है अगर आप कस्टम कलर देना चाहो तो सिंपली आपने इस पर डबल क्लिक करना है कलर विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपने कोई भी कलर पिक करके उसको ओके कर देना है और वो कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा अगर हम देखें तो ये देखें वो कलर अप्लाई हो चुका है ऐसे ही अगर आप कोई और कलर इसमें ऐड करना चाहो तो सिंपली आपने उस जगह पे आके क्लिक करना है जिस जगह पे आप कलर अप्लाई करना चाहते हो या फिर कलर ऐड करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल दिस यहाँ पर ऐड करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करो ये कलर टोन आ गई आप यहाँ से इसको आगे पीछे भी, भी मूव कर सकते हो कहीं भी ले जा सकते हो इसके बाद आपने सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से इस पर जो भी आप कलर अप्लाई करना चाहो वो आप यहाँ से पिक करके उसको यूज़ कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन इसको हम करते हैं ओके एंड अगेन ओके और ये देखें ये तीन कलर अप्लाई हो चुके हैं और इसका जो एंगल है वो हम चेंज कर लेते हैं ये देखें जब तीन कलर अप्लाई हो चुके हैं इसके बाद अगर आप इन्वर्स करना चाहो ऊपर वाला कलर नीचे नीचे वाला कलर ऊपर तो वहाँ से आप इनवर्स भी कर सकते हो तो ऐसे आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हो हम ग्रेडियंट को डिसलेक्ट करते हैं उसी लेयर पे हम आते हैं और अब हम पैटर्न अप्लाई करके देखते हैं जो कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन है पैटर्न का हम पैटर्न पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास कुछ पैटर्न्स अवेलेबल हैं फाजबल ट्रीज का ये देखें यहाँ से आप कोई भी पिक कर सकते हो इसके अलावा ग्रास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इसी तरह हमारे पास वाटर के कुछ हैं और वो भी आप अप्लाई कर सकते हो अभी हम ग्रास का ये वाला अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाला इसको हम कर देते हैं ओके यहाँ से आप इसका भी एंगल चेंज कर सकते हो ये देखें हमने इसको ओके कर देना है और ये देखिए ये पैटर्न अप्लाई हो चुका है हमारी स्लाइड पे अब हम वन पर वन सभी को देखते हैं फर्स्ट नंबर पर हमने ये किया था तो ये देखिए इसको हम डिसब्ल करके इसको इनेबल करते हैं सेकंड ग्रेडियंट वाले को तो ये ग्रेडियंट वाला हो गया इसके बाद जो थर्ड है वो है हमारे पास पैटर्न और पैटर्न भी यहाँ पे शो हो रहा है तो ऐसे आप लेयर को कोई भी कलर ग्रेडेंट कलर या फिर पैटर्न उस पर अप्लाई कर सकते हो ईज़ीली उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा स्टोरी अच्छा लगा होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज अप एंड कमेंट लो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाहज